वाह, लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इज्जत से कहो हम मुसलमान हैं, शान से कहो हम सिख हैं। वाह क्या बात है, कभी गर्व से कहा हम सत्य की ओर बढ़ेंगे, कभी कहा कि हम आगे बढ़कर हिंसा को रोकेंगे, कभी कहा कि गर्व से कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस समाज को एक दिशा की ओर ले चलेंगे, वो है परमपिता परमेश्वर की तरफ। नहीं कहा ना? कैसे कहोगे? ये कहने के लिए अपने आप को टटोलना पड़ेगा, अपने अंदर से सारी बुराइयों को खींच कर फेंकना पड़ेगा। हमें अपने मातृत्व को बचाना है, हमें इस देश को बचाना है, हमें इस पर्यावरण को बचाना है। बहुत सारे कार्य हैं, आगे वाली पीढ़ी के लिए भी तो कुछ छोड़ के जाओ, वो कहां जाएंगे? उसको तो पहले ही नरक की दिशा में ठेल रहे हो, क्योंकि सारी चीजों का उपयोग करके उसे सिर्फ कचरा ही दे रहे हो। सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं होगा, अपने अंदर से आवाज दो, अपने आराध्य की सेवा करो, अपने आराध्य को समझो, पहले अपने इष्ट देव जिसकी आप पूजा करते हो उसकी इज्जत करना तो सीखो। कहां करते हो? धूप बत्ती अगरबत्ती उसमें तुम्हारे आराध्य की फोटो होती है, चित्र होते हैं, उसका इस्तेमाल किया, फेंक दिया, तुम्हारे इष्ट देव आराध्य कचरे में पड़ा रहता, पैरों के नीचे आता है, क्या वो चीज आपको दिखाई नहीं पड़ती? तुम्हारे इष्ट देव नीचे पड़े रहते हैं जिसकी तुम पूजा करते हो मंदिरों में जाकर। विरोध करो इन चीजों का, मत खरीदो ऐसे साधन जिसके ऊपर तुम्हारे ही ईश्वर तुम्हारे आराध्य का चित्र बना हो, वहां से विरोध शुरू करो। किसी दुकान के ऊपर भोले बाबा लस्सी भंडार उस पे कबूतर बैठ के नित्य कर्म करके चले जाते हैं, ये है तुम्हारे आराध्य की सेवा? मत करो ऐसा, अपने आराध्य को पूजो, उसका सम्मान करो, हर क्षण हर वक्त करो, तिरस्कार करो ऐसी चीजों का, बहिष्कार करो, तभी शांति मिलेगी। जब आप छोटी से छोटी चीजों की इज्जत करोगे तभी तुम्हारे मन से कलुषता निकलेगी, अन्यथा आडंबर में फंस कर रह जाओगे और फिर वही ऊपरी चीज उसके तहत आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु जीसस को प्राप्त करना तो पहले नीचे से शुरुआत तो करो। हम नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं, हरि दर्शन धूप भगवान श्री कृष्ण पड़े हैं जमीन पर, और ऐसी जगह पड़े हैं जहां से आप उठाकर फेंक भी नहीं सकते, आपको खुद शर्मानी चाहिए। बहिष्कार करो, चाहे वो कोई भी हो, इज्जत करो। क्या आप अपने मां बाप का चित्र सड़क पे फेंकते हुए थूके हुए जगह पे देखना पसंद करोगे? नहीं करोगे ना?
तो फिर क्यों नहीं बहिष्कार करते हैं, क्यों गर्दन हिलाकर रह जाते हो? हर बुराई का विरोध करो, हर सच का साथ दो, अहिंसा के पथ पर चलो, हिंसा को रोको, अपने देश के लिए कुर्बान हो जाओ, किसी दूसरे के लिए मर मिटो। यही ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है, सेवा भाव, हमेशा सेवा करो, चाहे मां बाप की, चाहे भाई बहन की, चाहे बंधु, करो सेवा, करो सेवा। सबका मालिक एक है। बजा दे साईं तार बजा, मेरे हृदय के तार।
सितार बजा रे बाबा मुझे सत्य की राह दिखा दे साईं राह दिखा दे मेरे हृदय के तार बजा दे साईं तार बजा जो दिल माही तेल है और क्यों जगमग माही आग तेरा साईं तुझ में है तेरा साईं तुझ में है तू जाग सके तो जाग साहिब हृदय के तार बजा दे तार बजा मेरे हृदय के तार बजा दे मुझे सत्य की राह दिखा दे बाबा सत्य दिखा मेरे हृदय के तार बजा दे कहाँ ढूंढूं कहाँ जाऊं तुझे खुद में ही पा जाता हूँ तुझे खुद में ही पा जाता हूँ क्यों भवना छुपा हो कलियों में तुझ मन बगिया में पाता हूँ तुझ मन बगिया में पाता हूँ तुझ मन बगिया में पाता साहिब मेरी मन बगिया महका दे साईं हाँ महका मेरी मन बगिया महका दे साईं हाँ महका दे मेरी मन बगिया महका दे बाबा हाँ महका दे मुझ सत्य किनारा दिखा दे बाबा मेरी नैया पार लगा दे साईं पार लगा दे मुझे सत्य की राह दिखा दे बाबा ओ देवा मेरे बाबा मेरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कल्याण हो सबका कल्याण सबका भला हो सबका भला कर परमेश्वर या अल्लाह या मालिक इनको सही राह दिखा दे मेरे मौला अल्लाह मालिक अल्लाह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु